रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन चीजें हमारी बेसिक जरूरतें हैं। इन्हीं के लिए हर दिन की भाग दौड़ है। कोई नौकरी कर रहा है तो कोई बिजनेस कर रहा है। एंड ऑफ द डे हम अपनी कमाई से अगर एक छोटा सा आशियाना भी बना ले तो वो हमारे लिए किसी महल से कम नहीं होता है। लेकिन आजकल घर बनाना भी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गया है। अब घर सिर्फ ईंट पत्थर का एक स्ट्रक्चर ना होकर के एक स्टेटस सिंबल बन गया है। अक्सर फिल्मों में हम देखते हैं कि यूरोप या फॉरेन कंट्रीज में बने घरों में लकड़ियां बहुत यूज होती हैं। इन्हीं से घर की खूबसूरती में चार चांद लगते हैं। इतना ही नहीं, घर के अंदर लगे फर्नीचर, अलमारियां और दूसरी जरूरत की चीजों में लकड़ी के इस्तेमाल से घर का लुक ही बदल जाता है। अब ये चलन इंडिया में भी जोर पकड़ चुका है। घरों के अलावा भी ऑफिस, शोरूम, कैफे, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, मॉल्स वगैरह में भी वुडन वर्क करवाया जा रहा है, जिससे कि उनमें ऑथेंटिक फील आ जाती है। इसलिए वुडन और कारपेंटर का काम जानने वाले अच्छे कारीगर और एक्सपर्ट्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। और आज क्विक सपोर्ट आपको इस इंडस्ट्री पर पूरी केस स्टडी दिखाएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। अरबों में खेल रही है इंडिया की वुड वर्किंग इंडस्ट्री। जी हाँ, आम भाषा में लकड़ी का काम करने वालों को अपने देश में बढ़ई कहा जाता था, पर आज ये एक रिस्पेक्टेड प्रोफेशन बन गया है। इंडिया की वुड वर्किंग इंडस्ट्री 2019 में ही $32 बिलियन के कारोबार को पार कर चुकी है। आज ये एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री बन गई है, जिसमें मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल हो रहा है। वुडन वर्क को दुनिया भर में शोकेस करने के लिए ट्रेड फेयर और एक्सपो तक होते हैं, जहां लकड़ी के काम की कीमत लाखों तक पहुंच जाती है। लकड़ी के फर्नीचर मेलों और ट्रेड फेयर्स में अब मॉडर्न कटिंग एज टेक्नोलॉजीज, मशीनरी, टूल्स फिटिंग, एसेसरीज, रॉ मटेरियल्स और प्रोडक्ट्स भी डिस्प्ले पे रखे जाने लगे हैं, जहां पर इस प्रोफेशन से जुड़े लोग अपनी जरूरत की चीजें भी खरीदते हैं। अपना देश फॉरेस्ट वेल्थ यानी वन संपदा में बहुत ही समृद्ध है, इसीलिए यहाँ पर रॉ मटेरियल्स की कोई कमी नहीं है। भारत लकड़ी के अद्भुत कारीगरी और नक्काशी के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ पर बने ट्रेडिशनल डिजाइन्स की विदेशों में बहुत डिमांड है। इंडिया में लकड़ी से होने वाला काम ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बन चुका है, जहाँ पर मार्केट की डिमांड के हिसाब से वुडन प्रोडक्ट्स, प्लाईवुड, लकड़ी के कंटेनर, लकड़ी का फर्श, लकड़ी से बने घर, खिड़की, दरवाजे, सीढ़ियां, किचन फिटिंग्स, बुक शेल्फ, डाइनिंग सेट, ऑफिस फर्नीचर्स जैसी जरूरत की हजारों चीजें बनाई जाती है। इसीलिए तो इंडिया है वुडन वर्क का एक बड़ा एक्सपोर्टर। जी हाँ, इंडिया में बनी लकड़ी की चीजों की फॉरेन कंट्रीज में बहुत डिमांड है, जिनमें यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, नेपाल, चाइना और श्रीलंका सबसे बड़े खरीदार हैं। इंडिया 2010 में $1 बिलियन के टिम्बर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहा था। ग्लोबल मार्केट इंसाइट्स इंक ने अपने लेटेस्ट रिपोर्ट में कहा है कि लकड़ी के फर्नीचर आने वाले दिनों में 60% यानी कि 60% की हिस्सेदारी के साथ ग्लोबल फर्नीचर मार्केट को डोमिनेट करेंगे, जिनकी मार्केट 2024 तक $750 बिलियन तक पहुंच जाएगी। और इंडिया और चाइना एशिया पैसिफिक रीजन को 400 यानी कि $400 बिलियन के साथ लीड करेंगे। वैसे लकड़ी से बनी कौन सी चीजों की बाजार में है सबसे ज्यादा डिमांड? अगर इस बारे में बात की जाए तो प्लाईवुड, वुडन फर्नीचर, टिक वुड, वुडन टूथपिक, वुडन डोर्स, फ्रेम्स, डेक वुड, पार्टिकल बोर्ड, जॉइंटेड बोर्ड्स, टिम्बर, चिप ब्लॉक, प्लाईवुड एंड प्ले बोर्ड, चिप बोर्ड, वुड वर्किंग, डेकोरेटिव लेमिनेटेड शीट्स, कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग मटेरियल्स बनाकर इंडियन टिम्बर इंडस्ट्री, वुडन और कारपेंटर इंडस्ट्री खूब फल फूल रही है। आइए एक नजर डालते हैं कि लकड़ी के कौन से कारोबार की है सबसे ज्यादा डिमांड। सबसे पहले है इम्पोर्टेड फर्नीचर। इंडिया वुडन वर्क्स का बड़ा एक्सपोर्टर होने के साथ साथ वुडन फर्नीचर का वन ऑफ द बिगेस्ट इम्पोर्टर भी है। फर्नीचर इम्पोर्ट करने में इंडिया की हिस्सेदारी लगभग 19% है। हर साल इटली, जर्मनी, स्पेन, चीन, कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस जैसे देश इंडिया में अरबों रुपए के फर्नीचर भेजते हैं, जो कि ये साफ बताता है कि अपने यहाँ इम्पोर्टेड फर्नीचर्स की कितनी ज्यादा डिमांड है। ऐसे में अगर आप अपना बिजनेस कैपिटल इस फील्ड में इन्वेस्ट करके इम्पोर्टर या शोरूम ओनर बनते हैं तो डिमांड और सप्लाई का हिस्सा बनकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बसंत, सवाना लिविंग, बियॉन्ड डिजाइन, मंगोलिया जैसे कई इंडियन ब्रांड्स हैं जो वुडन वर्क इंडस्ट्री में नाम और पैसा दोनों कमा रहे हैं। वुडन फर्नीचर की इतनी डिमांड है कि पेपर फ्राई जैसा वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड सिर्फ फर्नीचर में ही डील करता है और इंडियन ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जो होम डेकोर सप्लायर भी है। दूसरे नंबर पर आता है प्लाईवुड। प्लाईवुड लकड़ी का एक पैनल है जो लकड़ी की पतली शीट से तैयार किया जाता है। प्लाईवुड सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला वुडन प्रोडक्ट है, जो सस्ता, लचीला और दोबारा इस्तेमाल में लाए जाने लायक होता है। ये फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ मजबूत और टिकाऊ भी होता है।
और लकड़ी के मुकाबले कम खर्च में मिल भी जाता है। आजकल लगभग सभी तरह के कंस्ट्रक्शन वर्क्स में प्लाईवुड का इस्तेमाल होता है, तो अगर आप इस कारोबार में आना चाहते हैं तो प्लाईवुड सप्लायर या डीलर के तौर पर बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। 2017 में ही ग्लोबल प्लाईवुड मार्केट $110 मिलियन का हो गया था, जो बढ़ता ही जा रहा है। तीसरे नंबर पर आता है टूथपिक। खाना खाने के बाद अगर कोई चीज दांतों में फंस जाती है तो जब तक उसे बाहर न निकाला जाए हम बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करते हैं। थैंक्स टू टूथपिक, जो बहुत ही छोटी सी दिखती है लेकिन हमारा काम आसान बनाती है। टूथपिक लकड़ी, प्लास्टिक, बांस या दूसरी चीजों से बनी नुकीली छड़ी होती है, जो दांतों के बीच फंसी हुई चीजों की सफाई के काम आती है। इसके अलावा भी वेडिंग्स में, किचन में, होटल में, रेस्टोरेंट्स में खाना सर्व करते हुए और डेकोरेशन के टाइम पर भी ये बड़ी काम आती है। प्रेस्टीजियस और बड़े होटल्स तो लकड़ी के बने टूथपिक्स यूज करते हैं। अब बात यह है कि क्या टूथपिक बनाने के कारोबार में वाकई में फायदा है? तो इसका जवाब ये है कि ना ही हम खाना खाना छोड़ेंगे और ना ही टूथपिक का इस्तेमाल बंद होगा। बाजार में लाख रुपए से शुरू करके 10 लाख रुपए तक के टूथपिक बनाने वाली मैनुअल और ऑटोमेटिक मशीन्स अवेलेबल हैं, जिसके साथ आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अब बात करते हैं लकड़ी के दरवाजे और फ्रेम की। कारपेंट्री के प्रोफेशन से जुड़े लोगों की डिमांड घर, इमारत, ऑफिस, होटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज के सभी काम, जैसे कि छत, फ्लोर, पार्टीशन बनाने में हमेशा रहती है। साथ के साथ ज्वाइनिंग का काम जानने वाले दरवाजों, खिड़कियों, अलमारी, सीढ़ियों और घर या बिल्डिंग जिनमें वुडन वर्क हो रहा हो उनकी इंटरनल फिटिंग करते हैं। कारपेंटर के काम में भी वुडन मॉड्यूलर किचन, वुडन पॉलिश फिनिशिंग और सभी बेसिक नॉलेज रखने वाले स्किल्ड प्रोफेशनल्स महीने के 50,000 से 1,00,000 रुपए तक बड़ी आसानी से कमा लेते हैं। इतना ही नहीं, इस प्रोफेशन के लोग इंडिविजुअल सर्विस देने के साथ साथ इंटीरियर डिजाइनर्स, होम डेकोर सर्विस प्रोवाइडर्स और कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स की टीम में काम करते हैं, जहां पर उनके काम को इम्पोर्टेंस और रिस्पेक्ट दोनों ही मिलता है। अब बात करते हैं टिम्बर सप्लायर की। बात चाहे फर्नीचर की हो या फिर वुडन कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की, लकड़ी की सप्लाई हुए बिना ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अच्छे प्रोडक्ट के लिए चाहिए अच्छी लकड़ी जो टिकाऊ और सस्ती भी होनी चाहिए। तो टिम्बर सप्लायर बनकर भी वुडन इंडस्ट्री में कारोबार किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक पार की नजर होनी चाहिए। अगर आपको लकड़ी की अच्छी पहचान है और कौन से प्रोडक्ट के लिए कौन सी लकड़ी या पेड़ सही होते हैं इसकी एक्सपर्टीज है, तो आप फर्नीचर, प्लाईवुड और कारपेंटर का काम करने वालों को रॉ मटेरियल सप्लाई करके भी अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। लेकिन इस काम को करने के लिए लाइसेंस बनवाना जरूरी है, क्योंकि इंडिया में लकड़ी की तस्करी बहुत होती है और आप नहीं चाहेंगे कि आप चोरी का माल अपने कस्टमर्स को बेचें। वुडन इंडस्ट्री में आने के लिए आप डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन से लाइसेंस ले सकते हैं। अलग अलग इंडियन स्टेट्स में ये डिपार्टमेंट अलग अलग हो सकते हैं। और इसके साथ अब आगे बात करते हैं बांस के बारे में। बांस का नहीं है कोई जवाब, मतलब ये कि हमारे देश में बांस आपको लगभग हर जगह दिख जाएंगे। बांस के बने फर्नीचर्स भी वुडन इंडस्ट्री का हिस्सा है। बहुत सारे होटल्स, स्पा, होम स्टेज में, घरों में भी बंबू फर्नीचर यूज होते हैं। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य जहां बांस की बहुत पैदावार होती है, वहां बांस के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने अलग से बंबू डेवलपमेंट बोर्ड बना रखा है, जो इस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों, कारीगरों और किसानों की इनकम बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है। 2015 में इंडियन बंबू बेस्ड प्रोडक्ट्स की मार्केट 26,000 करोड़ रुपए आंकी गई थी, जिसमें बांस से बने फर्नीचर की मार्केट 3,500 करोड़ से ज्यादा की थी, जो हर गुजरते साल के साथ बढ़ती जा रही है। तो अगर आप बांस की खेती करें या फिर बांस के बने फर्नीचर का बिजनेस करें, दोनों ही मुनाफे का सौदा साबित होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के अंदर जो कौशल भारत योजना चलाई जा रही है, उसमें बांस से बने फर्नीचर्स, हैंडीक्राफ्ट्स और सजावट की चीजें बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। डिटेल जानकारी के लिए आप सेंट्रल स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता की वेबसाइट www.cstaricalcutta.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कारपेंट्री एज अ करियर के बारे में। बढ़ई, राजमिस्त्री, लोहार, ये सब ऐसे प्रोफेशन हैं जिनके बारे में आम लोगों की सोच ये है कि भाई ये काम तो सिर्फ वही लोग जनरेशन बाय जनरेशन करते हैं जिनका ये हमेशा से पेशा रहा है। लेकिन आज सोच बदल रही है और क्रिएटिव डिजाइन और आर्ट वर्क के चलते ऐसे कामों में एक्सपर्ट्स की डिमांड बढ़ती जा रही है और ऐसे कामों के लिए बाकायदा प्रोफेशनल ट्रेनिंग और कोर्सेज भी कराए जा रहे हैं। अगर आप किसी 5-स्टार होटल में जा रहे हैं तो वहाँ का वुडन वर्क सबसे पहले हमारा ध्यान खींचता है। तो सोचिए इतने बड़े लेवल का काम करने के लिए कितनी नॉलेज की जरूरत होगी। और अगर आप अपने काम में माहिर हैं
तो आप अपनी कमाई का अंदाजा भी लगा सकते हैं। Naukri.com इंडिया का सबसे पॉपुलर जॉब सर्च पोर्टल है। अगर वहाँ भी आप कारपेंट्री, ज्वाइनरी, वुड कारपेंटर, फर्नीचर मेकर जैसे जॉब सर्च करेंगे तो आपको इंडिया के साथ साथ विदेशों में भी जॉब वैकेंसी दिख जाएगी। जैसे कि हैतिज पोद्दार वुड वर्किंग इंस्टीट्यूट फरीदाबाद में, एडवांस्ड वुड वर्किंग ट्रेनिंग सेंटर बेंगलुरु में कारपेंट्री की ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही NIOS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग भी कारपेंट्री का कोर्स करवाता है, जहां पर आपको इस इंडस्ट्री के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। इस कोर्स की डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको NIOS की वेबसाइट nios.ac.in के प्रोग्राम सेक्शन के अंदर वोकेशनल एजुकेशन में मिल जाएगी। तो अगर आप क्रिएटिव डिजाइनर है या फिर अपने करियर में कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो इंडियन वुडन वर्क की इस बिलियन डॉलर वाली इंडस्ट्री का हिस्सा आप बन सकते हैं, जिसमें आप अपना इंडिविजुअल काम कीजिए या फिर किसी अच्छे फॉर्म में जॉब कीजिए। यहाँ पर ग्रो करने के बहुत से स्कोप हैं। साथ ही अगर आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहा तो आप कंसल्टेंट बनकर के भी पैसा कमा सकते हैं। याद रखिएगा कि बेसिक चीजें कभी खत्म नहीं होती है। हम जब आदिम युग में थे तब भी लकड़ी का इस्तेमाल करते थे और अभी के मॉडर्न जमाने में भी लकड़ी यूज कर रहे हैं, बस तरीका और ढंग बदल गया है। तो क्विक सपोर्ट को पूरी उम्मीद है कि वुडन इंडस्ट्री पर बनी हमारी फुल केस स्टडी वाली ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में लिखकर के जरूर शेयर कीजिएगा और आगे भी ऐसी जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे तो उसके लिए क्या करना है, बिल्कुल आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो जुड़े रहिए क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।